जो 11.4 है ना, उसका टॉपिक है, उसके टॉपिक में तीन सर्किल है। वो ऐसे तीन सर्किल हैं जिनको ट्राइंगल के साथ हमने एसोसिएट किया हुआ है। तो उन तीन सर्किल के बारे में पढ़ लेते हैं, बाकी उनके फॉर्मूले और बाकी चीजें इंशाल्लाह कल देख लेंगे। सबसे पहला सर्किल है जो मैं आप लोगों को पढ़ाने लगा हूँ, वो है सर्कम सर्किल, सर्कम सर्किल ऑफ अ ट्राइंगल। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ेंगे सर्किल ऑफ अ ट्राइंगल, उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्स सर्किल ऑफ ट्राइंगल। तीन किस्म के सर्किल हैं, सर्कम सर्किल, इन सर्किल और एक्स सर्किल। इसको एक्स सर्किल भी कहते हैं, ई सर्किल भी कहते हैं, खाली मतलब खाली ई सर्किल इस तरह भी बोला जाता है। ये बुक में आपको इनकी डेफिनेशन भी मिल जाएगी, मैं आप लोगों को जरा डेफिनेशन समझा रहा हूँ, अंग्रेजी तो आपको बुक में मिल जाएगी। किसी भी ट्राइंगल का सर्कम सर्किल क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल का इन सर्किल क्या होता है, और किसी भी ट्राइंगल का एक्स सर्किल क्या होता है, ये जरा क्लियर करना है हमें। सर्कम सर्किल की बच्चों बहुत ही इजी सी डेफिनेशन है, वो ये है, आपने सर्कम सर्किल बनाना किस तरीके से, अगर आप बनाना सीख लो ना सर्किल को, तो डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी। बनाने का तरीका क्या होगा आपके पास, कि आपको चाहिए एक अदद ट्राइंगल, एक अदद ट्राइंगल आ गया, चाहो तो नेमिंग भी कर दो इसकी, ए बी सी। अगर आपने वाकई इस सर्कम सर्किल को बनाना है ना, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, ठीक है? वो तरीका आपको डेफिनेशन भी क्लियर करेगा, जो मैं कल इंशाल्लाह आप लोगों को अंग्रेजी में भी बताऊंगा, लेकिन बनाने का तरीका सीख लो, बड़ा इजी होता है। आप अपने पेपर पे एक ट्राइंगल बनाना, अपने पसंद का, जो भी उसकी लेंथ ए बी सी जो भी लेना है, अपने पसंद का एक ट्राइंगल बना लेना। उसके बाद क्या करना, जितनी भी साइड है ना, इनके मिड पॉइंट निकालना। मिड पॉइंट मतलब बिल्कुल दरमियान वाला पॉइंट। आप इसको स्केल से मेजर करना, अगर इसकी लेंथ है 10 यूनिट, तो जहां पे 5 आ रहा होगा ना, वहां पे आप क्या करना, मार्क कर लेना। इसी तरीके से कंसीडर कर लो, इस वाली साइड का मिड पॉइंट यहाँ पे है, इस वाली साइड का मिड पॉइंट गेस तकरीबन यहाँ पे है, और इस वाली साइड का मिड पॉइंट तकरीबन यहाँ पे है। तो आपने क्या करना है, एक ट्राइंगल अपनी पसंद का लेना है, तीनों साइड के मिड पॉइंट निकालने। इन तीनों मिड पॉइंट पे ना आपने एक 90 डिग्री की लाइन बनानी है, जैसे मिड पॉइंट है ना, आप 90 डिग्री की एक लाइन बना देना, यहाँ पे 90 डिग्री की लाइन बना दी। इसी तरह इस वाले मिड पॉइंट पे एक 90 डिग्री की लाइन बना देना, मतलब ये 90 डिग्री बना रही होगी, ये 90 डिग्री बना रही होगी। सेम ये मैं थोड़ा इधर, जब आप एक्यूरेट बनाओगे ना, तो तीनों लाइन मिलेंगी एक पॉइंट के ऊपर, ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट है ना, अगेन आपने इससे 90 डिग्री की लाइन बनानी है। तो ये तीनों 90 डिग्री की लाइन एक पॉइंट पे मिल रही होगी, आप ये देख लेना। ये काम खुद करना है ना, टाइम आप लोगों के पास होगा इतने, कौन से बिजी हो। एक ट्राइंगल बना के तीनों साइड के मिड पॉइंट निकालना, और तीनों मिड पॉइंट पे आप एक 90 डिग्री की लाइन बना देना। तीनों लाइंस जो है याद रखना, वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी। ये जो पॉइंट है ना, ये आपका सेंटर है, इसको आप कहते हो सेंटर ऑफ सर्कम सर्किल। आपको सेंटर पॉइंट मिल गया। सर्किल को ड्रॉ करने के लिए दो बातें पता होनी चाहिए, एक सेंटर और एक भूल गया हूँ, सेंटर पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए, रेडियस। रेडियस ठीक है, तो सेंटर तो हमें पता चल गया सर्कम सर्किल का। रेडियस कैसे निकालोगे, आपकी मर्जी है। आप इस सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस निकाल लो, आप इस सेंटर से लेके यहां तक का, ये सब बराबर है आपस में। आप इससे लेके बी तक का डिस्टेंस निकालो, इससे लेके ए तक का निकालो, इससे लेके सी तक का निकालो, आप ऑब्जर्व करोगे सब डिस्टेंस आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो आप कोई भी अपनी कंपस लेना, कंपस को किसी भी एक वर्टेक्स यहां पे रखना, और आपकी मर्जी है, यहां पे रख लो, बी पे रख लो, सी पे रख लो, जितनी वो ओपन होगी ना, दैट्स इट। रख के आपने एक इस तरीके का कंपास पूरी घुमानी है, तो आपके पास किस किस्म का सर्किल आ रहा होगा, किस किस्म का, ये सर्किल होगा। और सर्किल की खास बात क्या होगी, कि वो तीनों वर्टेक्स से पास कर रहा होगा, बड़ा फजूल सर्किल बना है नीचे से। तो खास बात क्या होगी उसकी, कि वो तीनों वर्टेक्स से पास कर रहा होगा, उसके ऊपर बी भी होगा, उसके पास ए भी होगा, उसके ऊपर सी भी होगा। ये तरीका होता है सर्कम सर्किल बनाने का। सेंटर आप लोगों को समझ आ गया होगा, सेंटर के बाद आपने कंपस को सेंटर से लेके किसी भी ए पे रखो, बी पे रखो, सी पे रखो, और पूरी घुमा दो कंपस। तो जो आपके पास सर्किल आएगा ना, आप ऑब्जर्व करोगे, वो सर्किल वर्टेक्स ए से भी पास कर रहा होगा, बी से भी पास कर रहा होगा, सी से भी पास कर रहा होगा। अब अंग्रेजी देख लेते हैं क्या लिखी हुई है बुक में। लिखा हुआ है कि द सर्किल विच पासिस थ्रू वर्टिसेस ए बी सी ऑफ द ट्राइंगल, ऐसा सर्किल जो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास करता हो, उस सर्किल को आप कहते हो सर्कम सर्किल। तो डेफिनेशन भी क्लियर होगी होगी, और बनाने का तरीका भी आपने सीख लिया। जो सर्कम सर्किल का सेंटर होता है ना, उसको आप कहते हो सर्कम सेंटर, और जो सर्कम सर्किल का रेडियस होता है, उसको आप कहते हो सर्कम रेडियस।
ये चीज बुक वालों ने मेंशन की हुई है, बाकी फॉर्मूले इनके कल देख लेंगे। तो बस सर्कम सर्कल से रिलेटेड आपको ये बात पता होनी चाहिए, डेफिनेशन क्या है और बनाने का तरीका भी बता दिए। अब आ जाओ इन सर्किल के ऊपर। इन सर्किल के अगेन आपको ट्राइंगल चाहिए ना, ये सारे सर्किल जो है ये ट्राइंगल से एसोसिएट है, तो कोई ट्राइंगल कंसिडर कर लो। ये ट्राइंगल कंसिडर कर लिया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। बनाने का तरीका देख लो, सर्कल खुद ही समझ आ जाएगा। इन सर्कल को बनाने का तरीका क्या होता है, आपको चाहिए एक अदद कम सॉरी जो डी होती थी ना, डी को क्या कहते हैं, डी को प्रोटेक्टर कहते थे क्या, डी को पता नहीं, वो जो ज्योमेट्री में आपके पास डी आती थी ना एक, वो आई गेस प्रोटेक्टर कहते थे या क्या कहते थे, मैं भूल गया हूँ। तो वो डी आपके पास होनी चाहिए। वो डी क्या काम करेगी, आपको ये वाला एंगल जो है ना इसको मेजर कर लेना। एंगल मेजर करना आता होगा आप लोगों ने, अभी मैट्रिक्स से ही आए हो। ये वाला एंगल मेजर कर लेना, इसी तरह ये वाला एंगल मेजर कर लेना, इसी तरह ये वाला एंगल मेजर, हो गया मेजर। कंसीडर कर लो ये वाला एंगल जो है ना ये 50 डिग्री है, एज्यूम कर लो। तो आपने क्या करना है, अगर ये 50 डिग्री का है तो 20 बिल्कुल दरमियान में इस एंगल के 25 डिग्री पे आपने किस टाइप की एक लाइन बना देनी है। इस एंगल को बिल्कुल बाइसेक्ट करके आपने जाना है। अगर ये 50 डिग्री का है तो आपने 25 25 के हिस्से में इसको डिवाइड करके जाना है। सेम काम यहाँ पे भी करो, एज्यूम कर लो अगर ये 60 डिग्री का है तो आपने बिल्कुल हाफ से एक लाइन लेके जानी है इस तरीके से, बिल्कुल हाफ से। इसको हम कहते हैं एंगल बाइसेक्टर, जो एंगल को बाइसेक्ट कर रही है ना। इसी तरीके से तीसरा एंगल ये है, एज्यूम कर लो ये 70 होगा, अगेन 35 35 बिल्कुल आपने बाइसेक्ट करके एक लाइन लेके जानी है इस तरीके से। हमेशा ये लाइन तीनों एक ही पॉइंट पे मिलेंगी, अगर एक पॉइंट पे नहीं मिल रही इसका मतलब आपने डायग्राम में कोई करा दी है। आप अगर प्रॉपर मेजर करके बनाओगे तो मिलेंगी। जिस पॉइंट पे ये मिल रही होंगी ना बच्चों, वो पॉइंट कहलाता है इन सेंटर, मतलब इन सर्किल का आपको सेंटर मिल गया। वंस आपको सेंटर मिल जाए, अब रेडियस आपने मालूम करना है। यहाँ पे रेडियस मालूम करने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे रेडियस मालूम करने का तरीका क्या होता है कि इस जो सेंटर आया ना आपके पास, इस सेंटर से आप एक 90 डिग्री की लाइन ड्रॉप कर दो इस तरीके से, या तो इधर ड्रॉप कर दो या इधर ड्रॉप कर दो या इधर ड्रॉप कर दो, 90 डिग्री की लाइन ड्रॉप करनी। तीनों बराबर ही होंगी आपस में, आप ड्रॉप करके देख लेना, ये तीनों जो मैंने ब्लैक से बनाई है बराबर ही होंगी। तो जब आपके पास सेंटर आ जाए सेंटर से, अच्छा ये जो मैंने ब्लू लाइन बनाई है ना, ये जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री बना रही होंगी, इनका बस काम क्या है, एंगल को बाइसेक्ट करना। ये मे भी 90 डिग्री बना रही हो या ना बना रही हो, ठीक है, इनका बस काम क्या था कि एंगल को आपने बाइसेक्ट करवाया। बहरहाल तो ये तीनों डिस्टेंस एक ही होंगे, आप मेजर कर लेना, इतनी कंपस खोलना, ये आपका सेंटर है, यहाँ पे प्रकार जो भी होती थी वो रखना, और इस तरीके से आप पूरा सर्किल बना दोगे। तो इस किस्म का आपको यहाँ पे सर्किल मिलेगा। एक ठीक है, तो ये सर्किल कहलाता है इन सर्किल। याद रखना इन सर्किल हमेशा ट्राइंगल के अंदर बनता है, और जो सर्कम सर्किल होता है वो ट्राइंगल के हमेशा बाहर बनता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, अगर आप देखो जो सर्किल है ये ट्राइंगल की तीनों साइड को टच कर रहा है, इस वाली साइड को भी टच कर रहा है, इस वाली को भी टच कर रहा है, इस वाली को भी टच कर रहा है। ये टच करने का मैथमेटिकल नाम क्या है, टेंजेंट। अगर कोई साइड टच कर रही हो ना किसी को तो हम बोलते हैं कि टेंजेंट है उसके ऊपर। अब जरा डेफिनेशन देख लो, डेफिनेशन क्या है, द सर्किल इंस्क्राइब विद इन अ ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल के अंदर है, सो दैट इट टचेज ऑल द साइड ऑफ अ ट्राइंगल। इन्होंने टच का वर्ड ही यूज किया, तो आप लोग वही याद रख लो कि सर्किल जो है ये ट्राइंगल की तीनों साइड को टच कर रहा है, जरूरी। ऐसा नहीं है कि ट्राइंगल के अंदर एक सर्किल हो, नहीं, टच भी करना जरूरी है। अगर आप देखो ये ट्राइंगल है और ये सर्किल है तो ये इन सर्किल नहीं कराया जाएगा, क्यों, क्योंकि ट्राइंगल की साइड को टच ही नहीं कर रहा है। तो ऐसा सर्किल जो ट्राइंगल की साइड तीनों साइड को टच कर रहा है उस सर्किल को आप कहते हो इन सर्किल। जो उसका सेंटर है वो कहलाता है इन सेंटर, और जो उसका रेडियस है वो कहलाता है इन रेडियस। बाकी इंशाल्लाह कलम पढ़ लेंगे कि क्या इन सर्किल रेडियस सब चीजें क्या होती हैं। अब बस आखिरी जल्दी से समझ जाओ, एक्स सर्किल क्या होता है, अगेन आपको एक ट्राइंगल चाहिए, तो थोड़ा छोटा ट्राइंगल चाहिए वरना सर्किल बहुत बड़ा बनता है इसके अंदर। ये ए है, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं। इसमें होता क्या है कि आपको ए है ना, यहाँ पे जो ट्राइंगल है ना इस पे तीन सर्किल बनेंगे, जो एक्स सर्किल है ना वो हमेशा तीन बनते हैं। अगर आप देखो एक ट्राइंगल पे एक ही सर्कम सर्किल बनता है, एक ट्राइंगल पे ए भी एक ही इन सर्किल बनता है, लेकिन एक ट्राइंगल पे तीन एक्स सर्किल बनते हैं, ठीक है। एक बनेगा ए के सामने, एक बनेगा बी के सामने, एक बनेगा सी के सामने। तो हम एज्यूम करते हैं कि जो ए के सामने बन रहा है ना अभी फिलहाल उसको मालूम करते हैं, तो ए के सामने बनेगा ना वो किस तरह बनेगा। आप क्या करोगे, ए के सामने वाली जो साइड है इसको आप कंसीडर कर लो,
और बाकी दो साइड कौन सी होंगी, आप इस वाली को एक्सटेंड कर दो और इस वाली को एक्सटेंड कर दो। जरा मैं एक्सटेंड करता हूँ इसको, इसी तरह जो साइड एसी है इसको एक्सटेंड करते हैं। तो अब बनाते हैं एक्स सर्किल। अच्छा, सेंटर मालूम करने का भी इसका एक तरीका होता है। इसका तरीका क्या होता है कि आपने ये वाला एंगल मेजर करना है, आपने ये वाला एंगल मेजर करना है, आपने ये वाला एंगल मेजर करना है। वंस ये एंगल मेजर कर लिया आपने, अब वही बाइसेक करो जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा था। आप एग्जैक्टली इसको बाइसेक करते हैं, ये बाइसेक कर लिया, इसको बाइसेक करते हैं तकरीबन यहाँ पे आएगा, इसको बाइसेक करते हैं तकरीबन यहाँ पे आएगा। एग्जैक्ट डायग्राम बनाओगे तो आपको सेंटर मिलेगा एक ही पॉइंट के ऊपर। इस तरीके से सेंटर निकाल लोगे। जैसे ही आपके पास सेंटर आ जाए, अब रेडियस निकालने का वही तरीका जो आपने यहाँ पे सीखा था, इससे लेके आपने 90 डिग्री की एक लाइन बनानी है। एज्यूम कर लो यहाँ पे बना लो 90 डिग्री की, या आप यहाँ पे बना लो 90 डिग्री की, या आप यहाँ पे बना लो 90 डिग्री की, सब आपस में इक्वली होंगे। वंस आपके पास 90 डिग्री की लाइन आ जाएगी, आप अपनी कंपस खोलोगे यहाँ पे रखना और इस तरीके से आप ड्रॉ कर देना, तो ये सर्किल आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये नीचे से बहुत बड़ा हो गया, 1 सेकेंड, नीचे से तकरीबन इस टाइप का एक सर्किल हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी खास बात क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या, आप ऑब्जर्व करो। ये सर्किल जो है ये इस वाली साइड को टच कर रहा है जो कि फिजिकल साइड थी। ये जो बाकी दो साइड है ना, ये तो आपने एक्सटेंड की थी, असल में तो ट्राइंगल की नहीं थी ना, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये ट्राइंगल की साइड नहीं थी, ये तो एक्सटेंड की थी आपने। तो ऐसा सर्किल जो ट्राइंगल की एक साइड को टच करता है और बाकी दो एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड साइड को टच कर रहा है, ओरिजिनल साइड को टच नहीं कर रहा, ये एक्सटेंडेड साइड है। तो जरा डेफिनेशन देख लो। डेफिनेशन क्या है, सर्किल विच टचेस वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नली एंड मतलब एक्सटर्नल टच कर रहा है, ये जो साइड है इसको अंदर से टच नहीं कर रहा, बाहर से टच कर रहा है। एंड टू एक्सटेंडेड साइड इंटरनली, कि जो दो साइड है ना जिनको आपने एक्सटेंड किया, इस वाली को और इस वाली को, तो इन दो एक्सटेंडेड साइड को अंदर से टच कर रहा है, इंटरनली टच कर। तो ये डेफिनेशन होती है, सर्किल विच टचेस वन साइड ऑफ द ट्राइंगल एक्सटर्नली एंड टू एक्सटेंडेड साइड इंटरनली। जो एक्सटेंडेड वाली साइड है उनको अंदर से टच कर रहा है, और जो ट्राइंगल की साइड थी एक्चुअल में उसको बाहर से टच कर रहा है। इस वाले सर्किल को आप बोलोगे एक्स सर्किल, ये डेफिनेशन होती है इसकी। अब इसका जो रेडियस होगा उसको एक्स रेडियस बोलोगे, जो सेंटर होगा उसको आप एक्स सेंटर बोलोगे, बाकी इनके फॉर्मूले और इंशाल्लाह 11.4 कल कंप्लीट करेंगे। कल मैंने आप लोगों को तीन सर्किल के बारे में बताया था, सबसे पहले सर्कम सर्किल के बारे में बताया था, फिर इन सर्किल था, और फिर एक्स सेंटर या एक्स सर्किल जिसको आप कहते हो। इन तीनों से रिलेटेड जो डेरिवेशन है ना वो इनके रेडियस की है। जैसे सर्कम सर्किल का जो रेडियस है उसको आप बोलते हो सर्कम रेडियस। तो सबसे पहले इस वाले की आपको डेरिवेशन नजर आएगी, सर्कम रेडियस की। सर्कम रेडियस को आप रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल आर से, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। डेल्टा मतलब वही एरिया ऑफ ट्राइंगल जो कि हीरोज फॉर्मूला से आप यहाँ पे निकाल रहे होगे, जो हीरोज फॉर्मूला मैंने आप लोगों को करवाया था, क्योंकि तीन साइड आपको गिवन होंगी तो हीरोज फॉर्मूला से आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लोगे। तो ये फॉर्मूला होता है सर्कम सर्किल का, जो रेडियस है ना जिसको आप सर्कम रेडियस कहते हो, वो कैपिटल आर जो है वो निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करते हो। बुक में जब इसकी डेरिवेशन दी हुई है ना, तो उसके साथ इसका एक और फॉर्मूला भी लिखा हुआ है जो कि एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। यूज इतना हम नहीं करते हैं, लेकिन एमसीक्यूज में शायद आपसे पूछा जाए कि ये इसके दो और भी फॉर्मूले होते हैं, तीन आप कह लो, आपको साइन लॉ से मिलते जुलते नजर आएंगे, लेकिन थोड़ा फर्क है। आर जो है वो बराबर होता है ए अपॉन 2 sin α के, आर बी अपॉन 2 sin β के भी बराबर होता है, और आर सी अपॉन 2 sin γ के बराबर भी होता है। कहने का मतलब आप तीन फॉर्मूले यहाँ पे बना सकते हो ना, आर इज इक्वल टू ए अपॉन 2 sin α, आर इज इक्वल टू बी अपॉन 2 sin β, इसी तरह सी के साथ। तो ये तीन फॉर्मूले भी बुक में लिखे हैं, बेहतर है एमसीक्यूज में कहीं पूछे जा सकते हैं। यही चीज प्रूव करने के बाद उन्होंने ये फॉर्मूला प्रूव किया है। यहाँ पे आप जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला था ना, जिसमें साइन अल्फा आता था, ये वाला फॉर्मूला 1 अपॉन 2 बी सी साइन अल्फा, तो यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू निकाल के पुट कर दो इस फॉर्मूले के अंदर, तो देखना ये वाला फॉर्मूला आ रहा होगा। तो ये चीज पहले प्रूव हुई थी, उसके बाद उन्होंने ये वाला फॉर्मूला जो है वो इससे बनाया था। तो यूज जो हम एक्सरसाइज में करेंगे वो ये वाला फॉर्मूला कर रहे होंगे, लेकिन एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि याद रख लेना इसको भी। अच्छा, फिर बात करते हैं दूसरा सर्किल जो इन सर्किल था, उसके रेडियस को आप बोलोगे इन रेडियस। किस तरीके से, स्मॉल आर से, फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा अपॉन एस। फिर आपको पता है एस जो है वही सेमी पेरीमीटर है, और डेल्टा जो है अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल है जो कि आप हीरोज फॉर्मूला से निकाल रहे होगे। इसी तरीके से आपने पढ़ा था एक्स सर्किल, तो उसके रेडियस को आप बोलोगे एक्स रेडियस, या ई रेडियस भी बोला जा सकता है।
उसका फॉर्मूला क्या होता है? अब देखो, मैंने आप लोगों को कल बताया था एक्स सर्किल जो है वो 3 बनते हैं। मैं जल्दी से आप लोगों को दोबारा बना के दिखाता हूँ। कल मैंने एक बना के दिखाया था आप लोगों को, एक छोटा सा ट्राइंगल बनाते हैं हम, वरना सर्किल बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कंसिडर करो छोटा सा एक ट्राइंगल मैंने बना दिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो कहने का मतलब यहाँ पे मैं 3 सर्किल बना सकता हूँ। सबसे पहला सर्किल यहाँ पे क्यों बनेगा? सामने देख लेना, कल बताया था इस टाइप का एक सर्किल बन जाएगा यूं करके, ये पहला सर्किल होगा। तो ये जो ए के सामने सर्किल बन रहा होगा ना, इसका जो कंसिडर कर लो ये सेंटर, जो इसका रेडियस होगा ना उसको आप R1 लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे 3 सर्किल बनेंगे, तीनों के अलग रेडियस होंगे। तो जो ए के सामने सर्किल बनता है उसके रेडियस को आप बोलते हो R1, जिसका फॉर्मूला होता है डेल्टा अपॉन S-A। इसी तरीके से जो बी के सामने सर्किल बनेगा, बी के सामने कैसे बनेगा, आप इसको एक्सटेंड कर दो, इस वाली साइड को एक्सटेंड कर दो, और वो सेंटर निकालने का तरीका बताया था, सेंटर निकाल लेना। इस टाइप का एक सर्किल यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है? तो जो बी के सामने सर्किल होगा उसके रेडियस को आप रिप्रेजेंट करोगे R2 से, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, पैटर्न आपको नजर आ रहा है, फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा अपॉन S-B। और जो सी के सामने सर्किल बन रहा होगा, बनाने का तरीका वही है, सेंटर निकाल लेना जो कल सिखाया था, इस किस्म का एक सर्किल यहाँ पे आ जाएगा। इसका जो रेडियस होगा उसको आप क्या बोलोगे, R3 बोलोगे, और R3 का फॉर्मूला होगा डेल्टा अपॉन S-C। तो कहने का मतलब ये जो एक्स सेंटर एक्स सर्किल जो बनते हैं ना आपके, ये हमेशा एक ट्राइंगल के 3 बनते हैं। तो दैट्स वाई आपको 3 रेडियस नजर आ रहे हैं, वरना सर्किल में रेडियस तो सेम ही रहता है ना। तो क्योंकि यहाँ पे सर्किल 3 है, दैट्स वाई रेडियस आपको यहाँ पे 3 नजर आ रहे हैं। कोई स्पेसिफिक ट्राइंगल जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आई गेस उसमें जब आप ये तीनों सर्किल बनाओगे तो तीनों के रेडियस बराबर ही होंगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में ए बी सी मतलब तीनों साइड क्या होती है, बराबर होती है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर जब आप एक्स सर्किल बनाओगे तो तीनों सर्किल का रेडियस क्या होगा, बराबर ही होगा। लेकिन हर ट्राइंगल के अंदर ये बात वैलिड नहीं है, हर ट्राइंगल में तीनों सर्किल का रेडियस डिफरेंट होगा, और निकालने का फॉर्मूला ये आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। तो ये ओवरऑल 5 फॉर्मूले हैं जो आप यूज कर रहे होगे, जो आपकी एक्सरसाइज 11.4 है, इसी से रिलेटेड आपको सब बातें पता होनी चाहिए, यही आपने यूज करना है आपका, ठीक है? कुछ और फॉर्मूले हैं जैसे डेल्टा और एस का, मैं साथ ये भी मेंशन कर देता हूँ कि डेल्टा का हम कहाँ से निकालेंगे एरिया, फॉर्मूला से ये एरिया निकालने का फॉर्मूला यूज करेंगे हम। और यहाँ पे एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, जो कि होगा A+B+C/2। इन सब चीजों को आपने याद रखना है, आपकी 11.4 सॉल्व हो जाएगी, ठीक है? मैं अब सॉल्व करके दिखाता हूँ आप लोगों को। अच्छा, सिर्फ आर की डेरिवेशन नहीं है, इसकी भी डेरिवेशन है, इसकी भी आ चुकी है एग्जाम में, और इनकी भी सबकी डेरिवेशन है। तो कहने का मतलब डेरिवेशन बहुत ज्यादा है, करने लग जाओगे तो काफी टाइम लग जाएगा, और बहुत कम चांसेस है कि डेरिवेशन आपको दी जाए, और अगर दी भी जाएंगे तो ज्यादातर मशहूर मशहूर दे रहे होते हैं। बहरहाल 11.4 पे आ जाओ। 11.4 में सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि बस आपने वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि आप कैपिटल आर मतलब सर्कम रेडियस और स्मॉल आर मतलब इन रेडियस ये मालूम करो। आपको 3 पार्ट दिए हुए हैं, तीनों का सेम ही डाटा है, आपको 3 साइड दी हुई है ए बी सी, और आपको मालूम करना है। तो मैं जरा आप लोगों को थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, आपको ए दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, बी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और सी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और आपको बोला हुआ है यहाँ पे सर्कम रेडियस और इन रेडियस निकालो। अब आप इन दोनों फॉर्मूलों में देखो, अननोन आपके पास क्या है, आपको ए बी सी तो पता है, सवाल में गिवन है, आपको डेल्टा नहीं पता जो कि यहाँ पे भी आ रहा है, और आपको एस नहीं पता। ये दो चीजें आपको यहाँ पे निकालनी है। ऑब्वियसली डेल्टा निकालने के लिए आपको एस पता होना चाहिए, इसका मतलब एस बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे एस की। यहाँ पे एस का फॉर्मूला 1/2 A+B+C, तो ये हो जाएगा 5+10, तो ये हो जाएगा 27। तो 27 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 13.5 आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ गया सेमी पेरीमीटर। उसके बाद आप यहाँ पे निकालोगे डेल्टा, डेल्टा का अच्छा पेपर में ऑब्वियसली सवाल आएगा नहीं, पेपर में एंड के सवाल आएंगे, ये तो प्रैक्टिस के लिए उन्होंने दिए हैं। लेकिन बिलफर्ज अगर आ भी गया तो आपने प्रॉपर फॉर्मूला मेंशन करना है, उसके बाद वैल्यूज पुट करनी होगी। तो ये फॉर्मूला मेंशन कर देना, मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। फॉर्मूला था एस, एस यहाँ पे है 13.5, फिर फॉर्मूला है S-A, तो ये हो जाएगा 13.5-5। तो ये आप S-A, S-B, S-C ये पहले भी निकाल सकते हो। S-A इन तीनों चीजों को निकाल के डायरेक्ट पुट कर दो यहाँ पे, या इस फॉर्मूले में डायरेक्ट निकाल लो, आपकी मर्जी है। 13.5-B, B यहाँ पे 10 है, इसी तरीके से 13.5-C जो कि यहाँ पे 12 है। इस फॉर्मूले में आपने पुट करना है बच्चों, आप लोगों के पास यहाँ पे कुछ ना कुछ एरिया आ जाएगा।
जो भी एरिया आएगा उसका यूनिट यहाँ पे होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना क्या एरिया आ रहा है। जब आपके पास एस आ जाए, जब आपके पास एरिया आ जाए, तो अब आप सर्कम रेडियस भी निकाल सकते हो, आप यहाँ पे इन रेडियस भी निकाल सकते हो, और आप यहाँ पे ये जो एक्स रेडियस है ये भी निकाल सकते हो, ठीक है? क्योंकि इनके फॉर्मूले में भी डेल्टा और एस आ रहा है, तो आप हर चीज निकाल सकते हो। आपको बस एस और डेल्टा पता होना चाहिए बस। तो बस फॉर्मूले पुट कर दो, अभी कौन सी बड़ी बात है। आप निकालने के लिए आप पुट करोगे ए सी अपॉन फोर डेल्टा। डेल्टा की जो वैल्यू आएगी वो पुट कर देना, सॉल्व करना। अब यूनिट क्या होगा, डेफिनेटली सेंटीमीटर यूनिट होगा इसका। सेंटीमीटर क्यों होगा, क्योंकि भाई ये एक रेडियस है, रेडियस एक डिस्टेंस ही होता है ना, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। इसी तरीके से इन रेडियस के फॉर्मूले में क्या होगा, डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा की वैल्यू जो है पुट कर देना, एस की वैल्यू 13.5 है। यहां से भी आपके पास जो आंसर आएगा सेंटीमीटर में आएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर टू के ऊपर। क्वेश्चन नंबर टू में बोला हुआ फाइंड आर वन आर टू आर थ्री। अभी ये आप लोग कर लेना यार, नेक्स्ट सवाल में आपको आर वन आर टू आर थ्री निकालने को बोला हुआ है। तो अगर इसी सवाल में आपको बोला जाए आर वन आर टू आर थ्री निकालो तो कोई बड़ी बात नहीं है। आर वन का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय एस माइनस ए। अगेन एस माइनस ए, आप एक काम करना इस फॉर्मूले में ना, हीरोज फॉर्मूला में, पहले इससे पहले ही आप एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी निकाल लेना, ताकि अगर आपको आर वन आर टू निकालना हो तो आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते जाओ और आपके पास ये तीनों रेडियस आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर टू कोई बड़ी बात नहीं है, आप देख लेना। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर थ्री में आपको एक कंडीशन दी हुई है कि जो आपके पास ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल है। लिखा हुआ है इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, इसका मतलब तीनों साइड इक्वल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो आपको प्रूफ करना है, एक पूरी कंडीशन दी हुई है कि वो कंडीशन आपको प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले गिवन क्या है आपको, गिवन है कि ए बी और सी ये सब आपस में इक्वल है। चाहो तो ब्रैकेट में आप एक्स्ट्रा चीज लिख सकते हो कि भाई ये इक्विलेटरल की कंडीशन है, चाहो तो लिख लो, कोई इशू नहीं है। और आपको प्रूफ क्या करना है, चाहो तो ये भी आप लिख दो कि वी हैव टू प्रूव दैट। तो क्या प्रूफ करना है सवाल में, आपको प्रूफ करना है कि आर वन आर सिंपल आर इसका रेशियो क्या होगा, इसका रेशियो 3:2:1 है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा जो है वो आर वन होता है। मतलब कहने का मतलब इसका ये है कि अगर आपके पास, अच्छा ये आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो, ये जो चीज उन्होंने प्रूफ करने को बोली हुई है ना, ऑब्जर्व करना। कैसे, मैंने कल आप लोगों को ट्राइंगल ये जितने सर्किल थे बनाना सिखाए थे। अगर आप वाकई इस चीज को रियल लाइफ में प्रूफ करना चाह रहे हो तो आप एक अदद ट्राइंगल बनाना, ट्राइंगल की जो भी रखना चाह रहे हो आप, जितना भी बड़ा छोटा बनाना चाह रहे हो बना लेना। इसके यहाँ पे आप तीन सर्कल बनाना, सबसे पहले सर्कम सर्किल बनाना, कल सिखाया था कैसे सर्कम सर्किल बनाते हैं, सर्कम सर्किल आ जाएगा। जैसे आपके पास सर्कम सर्किल आएगा तो आपको रेडियस पता होगा ना भाई, जब इसका सेंटर आपने निकाला होगा तो रेडियस भी मालूम किया होगा ना, तो रेडियस अपने पास नोट कर लेना। बिलफर्ज आपने स्केल से मेजर किया, वो रेडियस अराउंड 5 सेंटीमीटर आ गया, जो भी आपने बनाया, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, लेकिन आप फिजिकल बना के भी कैलकुलेट कर लो, कोई फॉर्मूला यूज ना करो, आप देखना ये चीज सेटिस्फाई हो रही होगी। इसी तरीके से यहाँ पे आप इसका कोई इन सर्किल बनाना, इन सर्किल देख लेना कैसे बनेगा, इन सर्किल का भी रेडियस निकाल लेना। आपके पास देखना यहाँ पे इन सर्किल का रेडियस आ रहा होगा, कंसिडर कर लो 2.5 आ रहा होगा, ठीक है देख लेते हैं फिर अभी। सही, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इसके बाद आपने तीसरा सर्किल बनाना है एक्स सर्किल। एक्स सर्किल बनाने का भी तरीका बताया भाई, अगर ये आपने ए साइड दी हुई है तो आप क्या करना है, इसके सामने एक सर्किल बना देना। अगेन वो तरीका आप लोगों को बताया भाई, और ये सर्किल एक्स सर्किल जो है वो सबसे बड़ा होगा, उसका रेडियस भी सबसे बड़ा होगा। आप मेजर कर लेना, उसका रेडियस कुछ आ रहा होगा आई गेस 7.5। तो अगर आप इनको रेशो के फॉर्म में लिखोगे ना, तो ये सबसे पहले आर वन लिखो, 7.5 का मतलब होता है 15/2। उसके बाद आप आर लिखो, आर है 5, के बाद लिखो आप स्मॉल आर, ये है 2.5, मतलब 5/2। पहले मुझे देखना, तो मैंने खुद सही वैल्यूज निकाली नहीं, उसके बाद जो मैं बताना चाह रहा हूँ बताता हूँ। अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे 5 से, डिवाइड करेंगे तो 1 1 और 3 बच जाएगा, और फिर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3, एक सेकेंड एक सेकेंड, 5 से डिवाइड करेंगे 3/2, 1 और 1/2, फिर अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 1। हाँ तो आप ऑब्जर्व करोगे, ये जो रेशो होते हैं ना, रेशो कहने का मतलब ये होता है कि रेशो आप बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हो। कभी आपने बोला नहीं होगा कि यार रेशो जो है वो 6:10 है, नहीं, रेशो आप जब किसी चीज को बताते हो ना तो आप उसको बिल्कुल सिंप्लीफाइड करके बताते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास के रेशो आ रहे हैं 2:1, इसका मतलब क्या, जो भी क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पिज्जा खा रहे हो, पिज्जा के फॉर एग्जाम्पल 8 स्लाइसेस थे, 8 में से आपने 2 जो है ना वो खा लिए, रिमेनिंग कितने हैं, 6 बचे। तो अगर आपसे कोई बोले कि यार रिमेनिंग कितने स्लाइसेस हैं और जितने आप खा चुके हो इनका रेशो निकालो,
छह बज गए और दो आपने खा लिए, तो आप ये नहीं बोलोगे रेशो 6:2 है, आप बोलोगे रेशो जो है वो 3:1 है। कहने का मतलब कि अगर तीन बचे हुए हैं तो मैंने एक खा लिया, अगर छह बचे हुए तो मैंने दो खा लिया, तो रेशो को बिल्कुल आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हो। तो कहने का मतलब हमेशा जब भी आप रिलेशन निकालोगे ना, रेशो निकालोगे R1 कैपिटल R और स्मॉल R का, तो आप ऑब्जर्व करोगे रेशो हमेशा आपके पास 3:2:1 आ रहा होगा। तो मैंने एक एग्जाम्पल दी है, आप लोग अपना बना लेना और उसके बाद रेशो को सिंप्लीफाई करना। रेशो को सिंप्लीफाई मैंने किस तरह किया, सबसे पहले तीनों रेशो को डिवाइड किया मैंने 5 से, तो ये सिचुएशन आ गई। फिर मैंने, क्योंकि आप रेशो को फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखते, आप होल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, फिर मैंने क्या किया, रेशो सबको सबको ही करना है जो आपने करना है, तो तीनों रेशो को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सिचुएशन आ गई। तो जब भी ये इन तीनों के बारे में आपस में रेशो निकालोगे ना, आप ऑब्जर्व करोगे हमेशा रेशो 3:2:1 बना रहा होगा। ठीक है, ये चीज आपको मैथमेटिकल प्रूफ करनी है। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया ना कि आप खुद भी इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हो, लेकिन आपको ये प्रूफ करनी है बात। और ऑब्जर्व करना ऑर्डर सेम रहना चाहिए, मतलब R1 कैपिटल R और R, अगर आपका ऑर्डर चेंज होगा तो रेशो भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। बिलफर्ज अगर आप यहाँ पे निकालो इस फॉर्म में रेशो, अब आपका रेशो ये हो जाएगा, क्योंकि जो R का रेशो था वो 1 था, अब अगर आपका R शुरू में चला गया तो 1 भी शुरू में आ जाएगा, कैपिटल R दोनों जगह सेम जगह था तो 2:2, और पहले R1 का 3 था, अब R1 का यहाँ पे 3 चला जाएगा। तो कहने का मतलब पेपर में हल्की फुल्की अगर चेंजिंग आ जाए ना, तो रट्टा नहीं मारना। बिल्कुल, अगर आपको ये चीज दे दी जाए, तो अब आपको सबसे पहले R कैपिटल R फिर R1, इस तरीके से आपने रेशो निकालेंगे। सही है, अब जरा देख लो निकालेंगे किस तरीके से। निकालने का तरीका बच्चों सिंपल ही होगा कि आप यहाँ पे तीनों चीजें मालूम करो, मालूम करने के बाद उनको रेशो की फॉर्म में लिखना, और जितना सिंप्लीफाई हो जाए उतना करना, तो आपको आंसर मिल जाएगा अपना। सबसे पहली चीज क्या है कि आपको R1 कैपिटल R और R चाहिए। कंडीशन आपको गिवन है कि जो आपको गिवन है ना, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपको पता है तीनों साइड इक्वल होती हैं। आप यहाँ पे लेट कर लो कि लेट ए बी सी आपस में इक्वल है, और कंसिडर कर लो ये एक्स के बराबर है, किसी नंबर के बराबर होंगे ना, 5, 10, किसी एक नंबर के बराबर होंगी तीनों साइड। तो आप एज्यूम कर लो तीनों साइड जो है वो एक्स के बराबर है, और इन तीनों चीजों को निकालने के लिए मैंने आपको बताया था दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, एक एस और एक एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम ये मालूम कर लेते हैं। एस का फॉर्मूला है 1/2 a+b+c। तो ए भी यहां पे एक्स है, बी भी यहां पे एक्स है, सी भी यहां पे एक्स है, तो एस हो जाएगा 3x/2। ये ऐसा आ गया। अच्छा जी, उसके बाद आपको निकालना है यहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल। हीरोज फॉर्मूला यूज करेंगे, एस एस। अच्छा, उससे पहले काम करो, जो हीरोज फॉर्मूला में एस माइनस ए आता है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा जी, एस माइनस ए क्या होगा भाई, एस की वैल्यू है 3x/2 - a, ए की वैल्यू क्या है सवाल में, एक्स के बराबर। 2 को एक्स से करोगे 2x, 3x - 2x क्या होता है, एक्स के बराबर। तो जब आप इनको सॉल्व करोगे आपके पास आंसर जो है वो x/2 आ जाएगा। सेम एस माइनस ए है तो एस माइनस बी भी यही होगा और एस माइनस सी भी यही होगा, क्योंकि ए बी सी यहाँ पे सेम है, तो फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी भी सेम होगा। अब यहाँ पे आप हीरोज फॉर्मूला यूज कर लो, अच्छा जी, हीरोज फॉर्मूला में वैल्यूज आप पुट कर दो। सबसे पहले एस की वैल्यू है 3x/2, एस माइनस ए है 1/2। ये सवाल आप लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हो 11.3 में, तभी मैंने कहा था उसकी एप्लीकेशन आपको यहाँ पे भी नजर आएगी, तो ये मेथड करेंगे ताकि हमारे लिए कोई नया काम ना हो, हम पहले भी कर चुके हैं। सॉल्व करते हैं इसको, ऊपर देखो एक्स एक्स एक्स, 4x है तो ऊपर हो जाएगा √3x/4। अच्छा, नीचे जो है वो 4 2 है, नीचे 16 है, 16 को रूट से बाहर निकालोगे 4 हो जाएगा। अच्छा, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3 का √√3 होता है, एक्स 4 का √x² हो जाएगा, ये आपके पास फाइनल एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। जैसे आपके पास ऐसा आ गया, आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया, अब आपने क्या करना है, ये तीनों चीजें मालूम करनी है। जब ये तीनों चीजें आ जाएंगी तो आप इनका रेशियो मालूम करोगे। फिर सबसे पहले हम R1 ही कैलकुलेट कर लेते हैं। R1 होता है delta/S - a, डेल्टा आपके पास आया है √3x² / 4, ये डेल्टा है, और एस माइनस से आपने शुरू में ही निकाल लिया था x/2 के बराबर है, तो डिवाइड कर देते हैं दोनों चीजों को। इस वाले एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4, तो डिनोमिनेटर तो आपका पूरा कैंसिल हो गया, ऊपर आपके पास बचा √3x और 2, इसका मतलब R1 आपके पास आ गया √3x/2।
तो ये आपने R1 निकाल लिया। अच्छा जी, अब आपको क्या निकालना है, अब आपको R निकालना है। R का फॉर्मूला होता है AB(C)/4 डेल्टा। AB(C) तीनों x हैं तो आप लिख दो x³/4, और डेल्टा का फॉर्मूला भी आपने देखा था √3x²/4। तो ऊपर आपने ABC की जगह x पुट किया, 3x मल्टीप्लाई होंगे तो x³ हो जाएगा, नीचे 4 है, 4 के साथ डेल्टा की वैल्यू है जो क्या है √3x²/4। तो डिनोमिनेटर में तो देखो ये 4 से 4 खुद ही कैंसिल हो रहा है, अब डिनोमिनेटर में क्या बच गया √3x², और न्यूमिनेटर में है x³। तो इस x² से आप x³ को कैंसिल करोगे तो सिंपल x बच जाएगा, तो ऊपर x नीचे √3। ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, आप एक काम करो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। उसकी वजह पता है क्या है कि इसके ऊपर भी √3 आ रहा है, आप कोशिश करो √3 को ऊपर ले आओ, ताकि कैलकुलेशन करने में ना आपको बाद में जब रेशियो निकालोगे थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो √3 को ऊपर लाना कोई बड़ी बात नहीं होती, यहाँ पे आप √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ये स्टेप जरूरी नहीं है, बस थोड़ी सिंप्लीफिकेशन के लिए कि बाद में मैं आसानी हो इसलिए मैं कर रहा हूँ, वरना कोई जरूरी नहीं है। अच्छा तो अब फाइनल फॉर्मूला से क्या बनेगा, ऊपर √3x आ जाएगा और नीचे क्या होगा √3, ये 3 के बराबर होता है। तो ये आपके पास कैपिटल आर जो है इसका फॉर्मूला भी आ गया। अब आखिरी चीज है स्मॉल आर, स्मॉल आर का फॉर्मूला क्या होता है, Delta/S। डेल्टा है √3x²/4 और ऐसा यहां पे 3x/2, ये इसका फॉर्मूला था जो शुरू में आपने निकाला था। सॉल्व करो, इस एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, तो यहां पे आर आ जाएगा, ऊपर बचा है √3x, बचा है 10 3। दोनों सेम नहीं आने चाहिए, सेम अगर आगे तो मसला हो जाएगा, कुछ ना कुछ फर्क है। हाँ सॉरी, ये 2 बचा हुआ है ऊपर, तो ऊपर 2 बचा हुआ है तो मुझे 2 लिखना चाहिए था, मैंने 3 लिख दिया। सही है, नीचे तो सब नहीं, एक सेकेंड, देखो नीचे जो है वो आपका सब कैंसिल हो गया, नीचे बस 3 बचा हुआ है, और ऊपर क्या है, ऊपर है √3x/2, तो ये वाला 2 और ये वाला 3 मल्टीप्लाई के 6 हो जाएंगे, दैट्स व्हाई आपके पास स्मॉल आर जो है वो ये फॉर्मूला आ जाए। सही है, उसके बाद जब आपके पास तीनों फॉर्मूले आ गए, अब आपका मेन मकसद क्या था, इनका रेशियो निकालना, तो बस रेशियो की फॉर्म में लिख लो इनको, R1 कैपिटल R और स्मॉल R। तो आप लिखो R1 का फॉर्मूला क्या था, √3x/2, कैपिटल R का फॉर्मूला था √3x/3, और स्मॉल R का फॉर्मूला है √3x/6, यहाँ पे लिख दिया इनको। अब फायदा पता है क्या है, मैं तभी यहाँ पे √3 में ऊपर लाना चाहता था, वजह है कि सबके ऊपर √3x आ गया। तो आप सिंपल क्या करो, ये रेशो को तीनों चीजों को आप √3x से डिवाइड कर दो, जब इसको भी √3x से डिवाइड करोगे तो ये √3x कैंसिल हो जाएगा, इसको भी डिवाइड कर दो, इसको भी डिवाइड कर दो, लेकिन एक जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी इसमें इम्प्लाइड होता है कि आपने √3x से डिवाइड किया, लेकिन चाहो तो लिख लो कि डिवाइड बाई √3x। खैर ये जो ऊपर का √3x से हट जाएगा सिंपल, यहाँ पे बचेगा 1/2, यहाँ पे बचेगा 1/3, यहाँ पे बचेगा 1/6। अगेन रेशो जो है उसका मकसद होता है कि आपके पास होल नंबर आए, फ्रैक्शन में डील करना आसान नहीं है ना आपके लिए, तो होल नंबर कैसे आएगा, आप यहाँ पे एलसीएम निकालो, 2 3 6, इनका एलसीएम 6 ही है, तो आप क्या करो इस पूरे रेशो को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इस वाली चीज को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6/2, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो 6/3 2, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो 6/6 1, ये आपका रिक्वायर्ड रेशियो आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपने सॉल्व करना है, एंड पे स्टेटमेंट पूरी लिख देना ना इस तरीके से कि R1 R और कैपिटल स्मॉल R 3 2 1, ये आपका सवाल जो है ये फाइनली प्रूव हो गया। तो अगर पेपर में हल्की बुल्की चेंजिंग आ जाए कि आपको ये R मतलब ये हल्का सा ये फर्क आ जाए, तो अब ये होगा 1 2 3, आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, अब आप सबसे पहले R पुट करोगे, फिर कैपिटल R, फिर R1, और रेशो निकालना वही 1 2 3 आ जाएगा। हल्की फुल्की अगर चेंजिंग आ जाए तो घबराना नहीं, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। ये लॉन्ग का काफी फेवरेट क्वेश्चन है। अब देखो यार, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 5 6 है, तकरीबन एक ही किस्म के सारे सवाल है, इसमें आपको बस प्रूफ करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है। इन सब फॉर्मुलों में R1 R2 R3 आ जाएगा, कहीं कैपिटल R आ जाएगा, कहीं स्मॉल R, या कभी हाफ एंगल फॉर्मुले आ जाएंगे साइन के, कॉस के, टेंजेंट के, ये आपको चीजें नजर आएंगी यहाँ पे। तो हर सवाल मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि लंबी हो जाएगी। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 5, ये मैं चलो करवा दूंगा,
बाकी क्वेश्चन नंबर टू जो है वो आप लोग ट्राई कर लेना खुद, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर थ्री करवा दूंगा, क्योंकि थ्री में फॉर्मूला पुट करके वही काम करना है जो आप पार्ट नंबर टू में करोगे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर फोर के पार्ट वन पे आ जाओ। प्रूफ करना है आर टू आर थ्री का प्रोडक्ट जो है वो आर टाइम एस स्क्वायर के बराबर है, ये आपको प्रूफ करना है। प्रूफ करने का तरीका वही होता है कि आप लेफ्ट हैंड साइड को पिक करो, जिसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो लेफ्ट हैंड साइड मुझे लग रही है कि मैं सिंप्लीफाई कर लूंगा आसानी से। इनके फॉर्मूले पुट कर दो, डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, डेल्टा अपॉन एस माइनस बी और डेल्टा अपॉन एस माइनस सी, ये तीनों के फॉर्मूले हैं। अब जरा मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर आ जाएगा डेल्टा क्यूब, क्या आ जाएगा एस माइनस ए माइनस बी एस माइनस सी। याद रखो जब भी आपके पास ये वाला पैटर्न आएगा ना एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो यहाँ पे एक चौथी चीज आपको लानी होगी, वो है एस। क्यों? क्योंकि आप हीरोज फॉर्मूला कंप्लीट करना चाहोगे यहाँ पे, तो आप एक काम करो, यहाँ पे आपको एस भी चाहिए। एस कैसे लाओगे? मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, भी एस से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे आप एस से डिवाइड कर दो। इसका फायदा क्या होगा? आपने हीरोज फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, सिंस करके आगे मेंशन कर देना, क्योंकि यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई करने लगा, तो सिंस करके मेंशन करना आपकी ये हीरोज का फॉर्मूला होता है। इसमें अगर आप देखो एग्जैक्ट यही पैटर्न है, एस एस माइनस ए पूरा जो आपने नीचे कंप्लीट कर लिया। बस फर्क यह है कि अगर इसके ऊपर रूट नहीं है और यहाँ पे रूट है, तो आप क्या अगर स्क्वायरिंग करो, जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो ये चीज हो जाएगी। इसका मतलब ये पूरी चीज जो है किसके बराबर होती है? एरिया के स्क्वायर के बराबर होती है। तो आप इस पूरी चीज की जगह लिख दो नीचे डेल्टा स्क्वायर, ये पूरी चीज कैंसिल हो गई, इससे पीछे बचेगा एस और डेल्टा। लेकिन अगर आप देखो आपकी राइट हैंड साइड अभी नहीं आई, तो मजीद आप इसको थोड़ा चेंज करने की कोशिश करो। मजीद चेंज क्या कर सकते हो? नेक्स्ट स्टेप में आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये आपने क्योंकि देखो इसके फॉर्मूले में आर आ रहा है, तो जरा आर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और ढूंढते हैं क्या करें इसके साथ। ये आर का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। अब देखो राइट हैंड साइड में आपको एस नजर आ रहा है, लेकिन राइट हैंड साइड में आपको डेल्टा नजर नहीं आ रहा, राइट हैंड साइड में आपको डेल्टा नजर नहीं आ रहा। तो अब एक काम करो, इस फॉर्मूले में डेल्टा की वैल्यू निकाल लो। इस फॉर्मूले में जब आप डेल्टा निकालोगे, डेल्टा किसके बराबर होगा उधर ले जाना, तो डेल्टा बराबर हो जाएगा आर एस के। तो वो वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, डेल्टा की जगह पे पुट कर दो आर एस। तो आप जरा इसको सॉल्व करो, आपके पास आंसर आ जाएगा आर एस स्क्वायर, जो कि बराबर है राइट हैंड साइड के। तो इस तरीके से आपकी राइट हैंड साइड प्रूव होगी। इन सवालों में यही काम करना होता है आपको। ये मैं मिटा रहा हूँ, लेकिन पेपर में आप लोग ना इस तरीके से फॉर्मूले आगे मेंशन कर देना। अच्छा जी, आ जाओ पार्ट नंबर थ्री के ऊपर। पार्ट नंबर टू आप लोग ट्राई करना, अगर नहीं हुआ तो मुझसे पूछ लेना। पार्ट नंबर टू में आप राइट हैंड साइड पिक करोगे, इसी तरह पार्ट नंबर थ्री में भी आप राइट हैंड साइड पिक कर रहे हो। तो हम यहाँ पे पिक करेंगे राइट हैंड साइड, और हमें प्रूफ करना है कि पूरी राइट हैंड साइड जो है वो बराबर है आर वन की। तो सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूँ, जितने भी कॉस के हाफ एंगल फॉर्मूले है ना वो यहाँ पे आपको पुट कर दें। तो जरा जगह चाहिए हमें, ए जो है इसको तो साइड पे कर दो। कॉस बीटा अपॉन टू का फॉर्मूला था, जाके देख लेना, एस एस माइनस बी अपॉन ए सी। अच्छा, कॉस गैमा अपॉन टू का फॉर्मूला था एस एस माइनस सी अपॉन ए बी। इसी तरीके से कॉस अल्फा का फॉर्मूला था, कॉस अल्फा अपॉन टू का एस एस माइनस ए अपॉन बी सी। अच्छा, अब उसके बाद क्या करना है? आपकी कोशिश ये होगी यार ये सब चीजें जो है ना ये एक साथ ही आए, तो डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है ना, आपकी कोशिश ये होगी यार ये ऊपर आपको मौजूद है, ठीक है। अब ये ऊपर कैसे आएगा भाई? डिनोमिनेटर है ना, अगर आप इसको न्यूमिनेटर के साथ लिखोगे तो आप इसको रेसिप्रोकल कर दो। सिंपल लैंग्वेज में इसको आप इस तरह समझ सकते हो कि बिलफर्ज अगर आपके पास ये सिचुएशन लिखी हुई है, अपॉन सेवन कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। अगर ये सिचुएशन है कि ऊपर भी फ्रैक्शन है नीचे भी फ्रैक्शन है, तो ये जो नीचे की फ्रैक्शन है इसको अगर आप ऊपर के साथ लिखना चाह रहे हो, तो आप एक काम करो, इस पूरी चीज को आप इस तरह लिख सकते हो कि ऊपर क्या लिखा हुआ है वन अपॉन टू मल्टीप्लाई जो नीचे लिखा हुआ है इसको रेसिप्रोकल कर दो। तो अगर आप नीचे वाली फ्रैक्शन को वन अपॉन टू के साथ लिखना चाह रहे हो मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो आप क्या करो, जो नीचे वाली फ्रैक्शन है उसको रेसिप्रोकल कर दो। तो जो इस चीज का आंसर आ रहा है इसको सिंप्लीफाई आप इस तरीके से करोगे, ये तरीका होता है। सेम काम आप इसमें भी कर दो। कैसे? ये जो ए है ये अपनी जगह पे, यहाँ पे क्या मौजूद है? एस एस माइनस बी अपॉन ए सी, इसके साथ मौजूद है एस एस माइनस सी अपॉन ए बी, और जो नीचे से आप लाओगे ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो अब ये फॉर्मूला बनेगा, बी सी ऊपर आ जाएगा,
आ जाएगा एस एस माइनस ए, ये सिचुएशन बन जाएगी। अब आपने क्या करना है, अगर आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे ये सब चीजें जो है इनके ऊपर स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, तो इन सबको ना ए के स्क्वायर रूट के अंदर लिख दो। अब ए के स्क्वायर रूट के अंदर लिखते हैं, ऊपर क्या मौजूद है एस और एस, ये हो जाएगा एस स्क्वायर, एस माइनस बी एस माइनस सी, और क्या मौजूद है बी सी, ये ऊपर आपने मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे क्या है, ए को ए से करो ए स्क्वायर, और बी सी अपनी जगह पे, एस अपनी जगह पे, एस माइनस ए अपनी जगह पे, ये सिचुएशन आ जाएगी। अब कैंसिलेशन देखो, जैसे बी सी से ये बी सी कैंसिल हो जाएगा, अच्छा एक एस से ये ऊपर वाला एक एस कैंसिल हो जाएगा, ये जो ए स्क्वायर है ना इसको नेक्स्ट स्टेप में आप बाहर लेके जाओगे, तो जब ये ए स्क्वायर बाहर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो उसका मतलब ये वाला ए और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अगर आप चाहो तो एक एक्स्ट्रा स्टेप कर सकते हो कि नेक्स्ट स्टेप में इसको ए स्क्वायर को रूट के बाहर लेके जाओ तो ये ए हो जाएगा, फिर ए और ए आपस में कैंसिल कर दो, लेकिन यही मुझे दिखता हुआ लग रहा है कि कैंसिल हो रहा है तो मैंने यहीं पे कैंसिल कर दिया। और जो पीछे बचा वो देख लो, अब पीछे क्या बचा है, ऊपर है एस माइनस बी एस माइनस सी, पीछे क्या बचा है जस्ट एस माइनस ए बचा है। ये सिचुएशन बची है, मैंने पहले भी बताया था याद रखना, जब आपके पास ये पैटर्न आए ना एस माइनस बी एस माइनस सी इस वाला पैटर्न, तो कोशिश करो पूरा पैटर्न कंप्लीट करो। पूरा पैटर्न क्या होता है ये वाला, कि चारों चीजें इसके अंदर मौजूद हो। अभी आप देखो ऊपर आपको तीन चीजें नजर आ रही है, एक चीज मिसिंग है एस माइनस ए, तो आप क्या करो एस माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये सिचुएशन आ जाएगी। ऊपर भी आपने एस माइनस ए लगा दिया, नीचे जब एस माइनस ए लगाओगे तो ऑलरेडी मौजूद था, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ये जो स्क्वायर रूट है ना ये आप ऊपर भी लिख सकते हो, ये स्क्वायर रूट आप नीचे भी लिख सकते हो, तो जब ये स्क्वायर रूट आपके न्यूमिनेटर के साथ आएगा तो ये पूरा हीरोज फॉर्मुला बन रहा है डेल्टा के बराबर जो होता है। अगर आप देखो न्यूमिनेटर में पूरा फॉर्मूला क्या बन रहा है डेल्टा का, तो न्यूमिनेटर में तो डेल्टा आ जाएगा, डिनोमिनेटर पे जब आप स्क्वायर रूट लगाओगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, नीचे बस बचेगा एस माइनस ए। तो जब आप इन दोनों चीजों को स्क्वायर रूट से बाहर लाओगे, ऊपर तो आपने हीरोज फॉर्मूला लगा दिया, नीचे इसका स्क्वायर कैंसिल, ये चीज आ जाएगी। और ये किसके बराबर होती है, आर वन के बराबर, यह है आपकी लेफ्ट हैंड साइड, उसका मतलब राइट हैंड साइड जो है वो बराबर है लेफ्ट हैंड साइड की। अब देखने में आपको लगा है लेफ्ट हैंड साइड को ही आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो करते हैं पिक, जरा वन अपॉन आर का स्क्वायर, चार फॉर्मूले आपने अप्लाई करने हैं, आर आर वन आर टू और आर थ्री। अब जरा सिचुएशन को समझो भाई, आपको पता है आर का फॉर्मूला होता है डेल्टा अपॉन एस, वन अपॉन आर का फॉर्मूला क्या होगा, एस अपॉन डेल्टा, मतलब आपने उल्टा कर दिया। अगर आर इसके बराबर है तो वन अपॉन आर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, एस अपॉन डेल्टा हो जाएगा। और अगर मैं आपको बोलूं कि यार इसको मैं स्क्वायरिंग करता हूं, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा वन अपॉन आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा एस स्क्वायर अपॉन डेल्टा स्क्वायर। आपने ऑब्जर्व यहां पे क्या बात की, कि वन अपॉन आर स्क्वायर का आंसर क्या होगा, सबसे पहले आप आर का जो फॉर्मूला था उसको रेसिप्रोकल करोगे, रेसिप्रोकल करने के बाद आप उसको स्क्वायर करोगे, तो वन अपॉन आर स्क्वायर को आप इस तरह निकालोगे। इसी पैटर्न पे आपने वन अपॉन आर वन का स्क्वायर, आर टू का स्क्वायर, आर थ्री का स्क्वायर भी निकालना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आर वन होता है डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, वन अपॉन आर वन क्या हो जाएगा एस माइनस ए अपॉन डेल्टा, आप इसकी स्क्वायरिंग कर लो दोनों तरफ, तो वन का स्क्वायर तो वन ही रहता है, आर वन का स्क्वायर आर वन स्क्वायर, ये हो जाएगा एस माइनस ए का स्क्वायर अपॉन डेल्टा स्क्वायर। तो क्या हुआ, आर वन को रेसिप्रोकल किया उसके बाद आपने स्क्वायर कर दिया, तो ये चीज आपने यहां पे पुट करनी है। तो मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, आर का फॉर्मूला होता था डेल्टा अपॉन एस, ये हो जाएगा एस अपॉन डेल्टा, स्क्वायरिंग करो एस स्क्वायर अपॉन डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा अपॉन एस माइनस ए होता था, उल्टा किया और स्क्वायर कर दिया। सेम चीज इसमें भी लगेगी, एस माइनस बी का होल स्क्वायर और डेल्टा स्क्वायर, और सेम चीज इसमें भी लगेगी, ठीक है। अब देखते हैं सिंप्लीफिकेशन, अगर आप देखो यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर एलसीएम आ रहा है तो आपने एलसीएम ले लिया, डेल्टा स्क्वायर क्या बचेगा, एस स्क्वायर एस माइनस ए का स्क्वायर एस माइनस बी का स्क्वायर एस माइनस सी का स्क्वायर। अब आप न्यूमिनेटर को सिंप्लीफाई कर लो, फॉर्मूला अप्लाई करो ए माइनस बी होल स्क्वायर का, ये हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस टू ए एस प्लस ए स्क्वायर। जब एस माइनस ए पे आप ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो तीन टर्म आ जाएंगे, सेम फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर दो,
एस स्क्वायर माइनस टू बी एस प्लस बी स्क्वायर, और इस पे भी अप्लाई कर दो। डिनोमिनेटर पे मौजूद है डेल्टा स्क्वायर। अब आप देखो कॉमन इसमें से क्या नजर आ रहा है, एस स्क्वायर एस स्क्वायर एस स्क्वायर एस स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा फोर एस स्क्वायर। अच्छा माइनस टू ए एस माइनस टू बी एस माइनस टू सी एस, आप क्या करो इसमें से अगर आप कॉमन देखो माइनस टू एस में माइनस टू बी एस में माइनस टू सी एस में कॉमन क्या है, एक तो माइनस कॉमन आ रहा है, टू कॉमन आ रहा है और एस कॉमन आ रहा है इस वाली टर्म में इस वाली टर्म में इस वाली टर्म में। देखो माइनस टू एस ये कॉमन आ रहा है, तो जरा मैं माइनस टू एस कॉमन लेता हूँ, तो यहां से बचेगा ए यहां से बचेगा बी, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया तो आप पॉजिटिव होंगे, और यहां से बचेगा सी। तो ये मैंने इसलिए किया ताकि आप एक्स्ट्रा स्टेप ना करो, वरना पहले आप एक साथ लिखोगे फिर कॉमन लोगे, स्टेप बड़े बड़े होते जाएंगे ना, तो मैंने डायरेक्ट कॉमन ले लिया। और पीछे क्या बच रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो जरा हम इसको साइड पे कर लेते हैं, इसको हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि राइट हैंड साइड में अगर आप देखो ये चीज आ रही है, हमें कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है इसको, इसी तरह डिनोमिनेटर को भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, एज इज मौजूद है। तो ये दोनों हमें चाहिए, बस ये इनको आपस में कैंसिल करना है। कैंसिल कैसे करेंगे, देखो आपने एस का फॉर्मूला पढ़ा था, अभी आगे फॉर्मूला मेंशन कर देना है यहाँ पे कि एस का फॉर्मूला था वन अपॉन टू ए प्लस बी प्लस सी, तो अगर आप टू को जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दोगे तो ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा, टू एस के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है ना, मैं इसकी जगह क्या पुट कर रहा हूँ टू एस, तो इस फॉर्मूले की जगह मैंने टू एस पुट कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा स्क्वायर। तो अगर आप ऑब्जर्व करो 2s को 2s से करोगे हो जाएगा 4s स्क्वायर, 4s स्क्वायर और माइनस 4s स्क्वायर, चाहो तो नेक्स्ट स्टेप में इसको 4s स्क्वायर लिख लो फिर कैंसिल कर देना, चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो कि दोनों चीजें आपस में कैंसिल हो जाएंगी, और पीछे इस फॉर्मूले को लिख लेना, मैं अभी मिटा रहा हूँ, पीछे आपके पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन डेल्टा स्क्वायर, जो कि आपकी राइट हैंड साइड है। इस तरीके से सवाल प्रूव होगा, ठीक है, बहुत इजी सवाल है, कोई खास काम नहीं होता है इनके अंदर। अब आखिरी सवाल जल्दी से कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स, प्रूव आपको करना है वन अपॉन टू आर आर इक्वल टू वन अपॉन ए बी वन अपॉन बी सी प्लस वन अपॉन सी ए। अब आपकी मर्जी, यहां पे आप कोई भी साइड पिक कर सकते हो, अगर मैं आर और इसको पिक करूंगा डेल्टा अपॉन एस ए बी सी अपॉन फोर डेल्टा, डेल्टा डेल्टा तो कैंसिल हो जाएंगे, हाँ मेरे लेफ्ट हैंड साइड मुझे ज्यादा आसानी लग रही है इसके अंदर, आप राइट हैंड साइड पिक करके भी कर सकते हो क्योंकि दोनों तकरीबन सेम ही है, इस पे भी आप एलसीएम लेके वही काम करोगे और इस पे डायरेक्ट पुट करके वही काम करोगे, तो मैं बेहतर है मेरे जहन में जो आ रहा है ना वो छोटा तरीका मुझे लग रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पिक करने पे आ रही, लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लेते हैं, जरा फॉर्मूला पुट करो यहाँ पे, पेपर में सामने नहीं लिखना पेपर में नीचे नीचे लिखना। आर का फॉर्मूला क्या है डेल्टा अपॉन एस, कैपिटल आर का फॉर्मूला है बी सी अपॉन फोर डेल्टा, ये आप डिनोमिनेटर में कर रहे हो सब, डेल्टा से ये वाला डेल्टा कैंसिल, टू वन जा टू 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 जा फोर, तो आपके पास बचेगा क्या, ऊपर तो वन है नीचे आपके पास ए बी सी और ये वाला टू से मल्टीप्लाई होगा टू एस हो जाएगा, तो नीचे आपके पास बचा है ए बी सी अपॉन टू एस, बाकी हर चीज जो है वो कैंसिल होगी, ये वाला टू एस ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा टू एस अपॉन ए बी सी, इस टू एस को आपने ऊपर जाके वन से मल्टीप्लाई करवा दी। उसके बाद अगेन वही अप्रोच यहाँ पे यूज करनी है, आपने लिखा था ना कि ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे टू एस के बराबर है, अब आपने उल्टा करना है, यहाँ पे टू एस का जो फॉर्मूला है ना वो आपने लिखना है कि टू एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी के, क्योंकि आप एलसीएम ब्रेक करोगे ना, आप देखो आंसर में एलसीएम ब्रेक उसी वक्त होगा जब ऊपर आपके पास दो तीन चार टर्म होंगे ना, तो आप सिंपल यहाँ पे टू लिख देना कि सिंस एस बराबर होता है वन अपॉन टू ए प्लस बी प्लस सी के, तो टू को आप इधर ले जाओ, टू एस किसके बराबर हो जाएगा बी प्लस सी के बराबर हो जाएगा, तो ये आगे सेंस करके मेंशन कर देना, मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। अब आप देखो एलसीएम ब्रेक करने की पोजीशन में हो आप, क्योंकि ऊपर दो तीन चार टर्म नजर आ रही है, अब एलसीएम ब्रेक कर दो, ये हो जाएगा ए अपॉन ए बी सी बी अपॉन ए बी सी और सी अपॉन ए बी सी, तो ये ए से ए कैंसिल वन अपॉन बी सी, बी से बी कैंसिल वन अपॉन ए सी, सी से सी कैंसिल वन अपॉन ए बी, नेक्स्ट टाइम बस आपने डायरेक्ट आंसर लिख देना है वन अपॉन बी सी वन अपॉन ए सी वन अपॉन ए बी।
आप देखो यही तीन टर्म लिखी हुई है, ऑर्डर थोड़े बहुत चेंज है, कोई मैटर नहीं करता। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपकी राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है।